में मृदुल नागर जो 190 रैंक से है वो सेलेक्ट हुए, 190वीं रैंक है वो प्राप्त की है इस आरजेएस एग्ज़ाम में। एनएलयू जोधपुर से इन्होंने अपनी 5 ईयर जो है वो कोर्स एलएलबी का है वो कंप्लीट किया है 2022 में। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका आरजेएस के अंदर, और इन्होंने अपने कोचिंग से जो है मेंस कोर्स टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस है वो प्राप्त है वो किया था। प्री की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ली थी, प्री की भी थी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है वो थी। वैसे मेंस की टेस्ट सीरीज़ और प्री की टेस्ट सीरीज़ हर स्टूडेंट के पास मेरी होनी चाहिए, चाहे वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस से जुड़ा हुआ है या नहीं। अभी पिछले साल से मैंने थोड़ा बैन लगा दिया है, ऑनलाइन कर लिया प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अब कम जा रही है। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से फ्रेंड सर्किल इधर उधर से कोई एक जुड़ा हुआ है तो उसके साथ और लोग जुड़े हुए, तो हर स्टूडेंट जो भी इंटरव्यू देने आया उससे हमने वो सीक्रेटली इंक्वायरी की। हर स्टूडेंट ने ये बोला, वो पहले यहाँ से मान लो पढ़ा हुआ ही नहीं है, मेंस कोर्स में ही नहीं था, उसके पास भी अपनी टेस्ट सीरीज थी, मतलब वो क्वेश्चंस देखने वगैरह के लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बना रखे और रियलिटी में क्वेश्चन जो पिछली बार का मेंस उठा के देखना, इस बार का मेंस देखना और आप टेस्ट सीरीज देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको हूबहू मिल जाएंगे उस वो मेंस के पेपर के अंदर। यस मृदुल, आप स्टेज पे आए और आपने जो सफलता अर्जित की उसके बारे में स्टूडेंट्स को वो संक्षेप में बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट होने के लिए। यस मृदुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सर से लास्ट अक्टूबर में जुड़ा था, लास्ट अक्टूबर में मैंने टेस्ट सीरीज सर की स्टार्ट कर दी थी, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे आरजेएस जब आया तो 45 डेज मिले, पर मेरी टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट थी उससे पहले, तो मुझे ये पता था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर की टेस्ट सीरीज़ में, पर आप ब्लाइंड फेथ कीजिए, 100% क्वेश्चन उससे ही आएंगे, मैं तो ये कहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन था डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन का, वो आपको लगेगा सर ने क्यों डाल रखा है, लेकिन वो 6 नंबर का क्वेश्चन मेंस में डायरेक्टली आया था, और वो बच्चा सब उसको अवॉइड कर देते हैं, सोचेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी आपको बताएगा भी नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप सर की टेस्ट सीरीज़ को तो बाइबल मान लीजिए, पहले तो बेरेक्ट आपको पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए, और दूसरी टेस्ट सीरीज आप कुछ भी ना पढ़ेंगे तो भी आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरा मानना यही है। और दूसरी बात हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे हरीश सर बैठे हैं, मैं हरीश सर से पहले से जुड़ा हूँ, कोचिंग से भी जुड़ा हूँ, पहले से भी जुड़ा हूँ, हरीश सर आपको जो बता रहे हैं उसको तो आप उसको भी मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। सर ने, मैं पहले दिन सर के पास कोचिंग में था इधर ही, सर ने मुझे पहला ही ऐसे दिया था कि गिरते मानव मूल्य, और मैंने सोचा अरे ये क्या ऐसे कि पर्यावरण पढ़ाओ, कि आप पॉल्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, पर मैंने उसको सर ने बताया, मैंने वही पढ़ लिया, इस बार वही ऐसे एज इट इज रिपीट हो गया था। तो जो भी आपको सर यहाँ पे कोचिंग में बता रहे हैं वो तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो बाइबल है, उसको गार्ड बांध लीजिए, उसमें तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी कोतूहल करनी ही नहीं है, उसको तो आपको करना ही करना है। और दूसरा ये बोलना चाहूँगा कि आप रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, घंटों के हिसाब से पढ़ना शायद इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी आपको काम देती है कि आप चाहे आज एक ही टॉपिक पढ़ने पर उसको ऐसा पढ़िए कि अगली बार आपसे कोई भी पूछे तो आपको उसको ABCD पूरी पता हो। 50-60% एग्ज़ाम ये रटने का ही है, अब रट आप एक दिन में नहीं सकते कि आपको आप सोचें कि आज मैं CPC पूरा रट दूं तो असंभव हो जाएगा, पर एंड में आते आते ऐसा हो जाएगा कि 2.5 घंटे में आप CPC पूरा रिवाइज कर देंगे, 4 घंटे में आप पूरा CRPC पढ़ लेंगे, सेकेंड डे में पूरा सिविल क्रिमिनल पूरा रिवाइज करके जा रखा था, और वो 8-9 घंटों में हो जाता है, अभी आपसे 7 दिन लगेंगे। कोशिश करिए कि हर बार अगले रिवीजन पे आपका टाइम हाफ होता जाए, जैसे इस बार CPC 6 घंटे में हो रही है तो ट्राई करें 3 घंटे में आपकी CPC हो जाए। अपने नोट्स को भी कंसाइज करिए, अपने नोट्स के पॉइंटर्स में बनाना स्टार्ट करिए उनको, कि आप ट्राई करें कि आप अपने नोट्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में बना लें। जैसे कि मैं ऐसा करता था, मैं ट्राई करता था कि 10:1 के रेशियो में मैं नोट्स को बांटता था, अगर मेरे पुराने वाले नोट 10 पेज के तो मैं ट्राई करता था उसको मैं 1 पेज में लिखूं। अब वो आपके ऊपर है आप उसको कैसे लिख रहे हैं, और केस लॉस का भी सर आपको बता ही देंगे, वो सर प्रीलिम्स से पहले भी एक क्लास लेते हैं यूट्यूब पे और मेंस से पहले भी लेंगे, तो वो आपसे हो जाएगा सब कुछ। अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो आप भी हो सकते हैं, बस रेगुलरली मेहनत करते रहिए, और सर पे तो आप मैं बहुत अंधा विश्वास कीजिए, जैसा सर बता रहे हैं वैसा आप करते जाइए, हो जाता है। हिंदी ऐसे में आपके मृदुल कितने मार्क्स रहे? सर मेरे 24 थे। 24 बहुत अच्छे मार्क्स है, आप तो हिंदी ऐसे के लिए हरीश सर को क्या क्रेडिट देना चाहेंगे? सर मैं 100% क्रेडिट देना चाहूँगा हरीश सर को। सर एक तो सर हरीश सर ट्रिगर पॉइंट देंगे आपको, वो पूरी कॉपी लाल करके दे देंगे आपको, पर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, मैंने क्या गलती कर दी, पर वो गलतियाँ बाद में आपके काम आएगी, क्योंकि झटके से आप नहीं लिख सकते अच्छा हिंदी। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो जब फर्स्ट दिन सर के पास गया तो नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे सर वो प्रोसेस है उसको एन्जॉय करें, सर डांटेंगे भी और सर प्यार से भी समझाएंगे, दोनों को लीजिए, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए और दोनों को अपने
समझिए कि सर जो है सर का टेस्ट दे रहे हैं वही आरजीएस है। हर दिन सर आपको दो टॉपिक देंगे उस पर लिखिए और सर चेक करके देते हैं, ऑब्वियसली सर चेक करके देंगे आपको। इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे सर? इंटरव्यू में 18। ठीक है, 18 अच्छे मार्क्स है। मुझे तो 14 ही मिले थे जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरे से ज़्यादा लेके आए आप। गुड, थैंक्स। मृदुल को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और प्रमोशन वगैरह के माध्यम से चरमोत्कर्ष पर पहुंचे इस न्यायिक सेवा के अंदर।